वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लेकर आते हैं रोज शाम को 7 बजे ये क्यूज, जो कि मॉक टेस्ट होता है, जहां पे जनरल साइंस, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र और सामान्य ज्ञान यानी कि करेंट अफेयर से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को। देखिए, करंट अफेयर का ऐसा पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार तो नहीं आया था, लेकिन इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। क्यूज में आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। वैसे आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं सुबह के 6 बजे, वहाँ से आप जाके डेली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2019 का पूरा करंट अफेयर पढ़ें, तो आपके लिए पूरा वीडियो दिया गया है, एक प्लेलिस्ट बना के, वहाँ पे 2018 के भी क्वेश्चन है, 2019 का भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चैनल पे देखिए और रोज़ वहाँ पर क्यूज अटेंड करेंगे, एक वीडियो अगर रोज़ देखेंगे तो शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों इन सामान्य अध्ययन यानी कि खंड दो में हमारे जो 200 मार्क्स पूछे जाएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग को अभी हटा दिया गया है, बाकी 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। सुबह के 10 बजे ये जनरल साइंस की क्लास दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखें। और सुबह के 6 बजे ये करेंट अफेयर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो रोज़ इसको रेगुलरली अटेंड करें आप लोग क्यूज को। चलिए तो लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी प्रश्नों पे। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से, NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणाम विलयन का pH जो मान होगा वो 13 हो जाए। तो देखिए, इसको जल के साथ इसका विलयन कराया जाए, अगर देखा जाए है ना, जल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो ये टोटल निकल कर आएगा 4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर इसका बी होगा, यानी कि 4 ग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूमता है। चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए, आप लोग जनरल साइंस से अगर क्लास देखना चाहते हैं तो सुबह का क्लास जरूर अटेंड करें, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिए जाते हैं, पर ये मॉक टेस्ट है, आंसर आपको करने हैं फटाफट यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूमता है तो दोस्तों कण की गति अपरिवर्तित रहती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, सूर्य से पृथ्वी की प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सूर्य जो होता है, देखिए, गर्म होता है, प्रज्वलित होता है, गैसीय पदार्थ है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गोला है वो हाइड्रोजन का, तो सूर्य में पृथ्वी का जो प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। क्या कहता है? आपतन, यहाँ पे आत्पन लिख दिया गया है, ठीक है, ये आत्पन कहलाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आत्पन कहलाता है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? यदि पूर्ण तरंग की दृष्टिकारी जो है वो फुल वेव रिएक्टर होता है, इसको कहते हैं, ठीक है, कि निवेश आवृत्ति जो है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी है, तो n जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आवृत्ति का, अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे, संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? चलिए आंसर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वे प्राश्रव ध्वनि तरंग को उत्पन्न करती है। देखिए, चमगादड़ जो है, आज मैंने सुबह के क्यूज़ में बताया भी आपको एक चीज़ इसके बारे में, कि जो है स्तनधारी जो जीव है, स्तनधारी जीव है ये, लेकिन उड़ने वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक ऐसा स्तनधारी जीव का नाम बताए जो कि उड़ता है, तो ये चमगादड़ ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है? चलिए, कैसे लाया जा सकता है दोस्तों? तो आंसर करेंगे, जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाए या ली जाए, तब ये भौतिक अवस्था, फिजिकल जो प्रेजेंट है उसको, उसमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, कैडमियम धातु जो है ये जो है ये क्या, इटाई रोग एक नाम है रोग का, ये पैदा करती है, इसके चलते हड्डियाँ कोमल हो जाती हैं तथा गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, आंसर कीजिएगा कैडमियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होगा? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ थर्ड, यानी कि वेग में, आंसर क्या करेंगे, इट्स अ 3, वेग में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे देख लीजिएगा, 2 किलोग्राम मात्रा एक पत्थर विरामावस्था में या पहाड़ी के शीर्ष में नीचे गिरता है और 5 सेकेंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जिसका जी का मान यहाँ पे दिया गया है, इसको यूज करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है दोस्तों यहाँ पे, फिर भी इसका आंसर देख लीजिएगा, आंसर आएगा 2401 जूल। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके नागरिक शास्त्र से, पॉलिटी से है, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, भारत के न्यायाधीश। ठीक है, आंसर डी कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके बिहार के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर अभी आप लोगों ने कल देखा होगा, अगर पेपर बिहार एसटीईटी का, टीचर्स जो बनने चाहते हैं छात्र, उनको जो पेपर दिया गया था कल, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ इस चैनल पर कराए गए थे। ठीक है, और जिन लोगों ने किए भी होंगे तो वो वहाँ पर आंसर जरूर करके आए होंगे ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो आंसर करेंगे दोनों, यह धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। बिल्कुल, यहां पर आंसर करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित भी कर सकता है। याद रखिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, आप भी फटाफट आप लोग भी आंसर करते रहिए ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलता रहे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद की बात हुई है तो यहाँ पर आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये आर्टिकल 75(1) के तहत, ठीक है, यानी 75(1) के तहत उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। सी कर लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होता है। बिल्कुल, देखिए आंसर कमेंट करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के तहत आता है इनमें से। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेश सिद्धांत को अधिपत्य दिया है। तो ये जो है दोस्तों 42वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके तहत मूलभूत अधिकारों को निदेशक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। बिल्कुल, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, किसे समझा जाता है दोस्तों। तो संविधान सभा का उद्घाटन यहाँ पे तो बता दिया, लेकिन भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो कहता है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट को समझाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर इसकी बैठक बुलाई जाती है, आंसर बी होगा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए जो सिलेबस है आपका वो पॉलिटी है, ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक, और हिस्ट्री भी इंडियन ही पूछा जाएगा इसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ये जुड़ा हुआ है आपके किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय से भी और राष्ट्रीय से भी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे आपके वो हो सकता है कि पूछा जा सके वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, या फिर WTO या फिर WHO, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो करंट के ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में लिखित है। आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ चतुर्थ, जी हाँ, चौथे भाग में ये वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी कि बहुमत से, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूची एक और सूची दो को सुमिलित करना है और कूट बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पे आपका सही है। तो देखिए फ्रांस को अगर आप मिलाते हैं तो ये एक क्या है, तो गणतंत्रात्मक सरकार है यहाँ पे। ठीक है, कनाडा जो है ये संघीय व्यवस्था है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। जर्मनी जो है दोस्तों आपका एक आपात उपबंधन है। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया जो है वो समवर्ती सूची से व्यवस्थित है। तो यहाँ से जो हमारे संविधान में ली गई हैं सारी चीज़ें वो इन्हीं इन्हीं स्टेट से ली गई हैं, ठीक है। तो ये एक सुमेलन है दोस्तों यहाँ पे, जिसका उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 33 में वर्णन किया गया है जिसके अनुसार मौलिक अधिकारों के विशेष रूप को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान रखता है? बिल्कुल, तो आर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 16 की हम, जी हाँ, जो कि ऐसा करने की हमें अवसर प्रदान करता है और देता प्रावधान है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के नागरिकता के अधिकार के अधिनियम करने की शक्ति देता है? चलिए आंसर कीजिएगा 25 का। यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने को शक्ति देता है? तो आंसर कर देंगे दोस्तों आर्टिकल 11 यहाँ पे, ये हमें कानून नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? चलिए तो आंसर करेंगे दोस्तों, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक है महामेघवाहन, नोट कर लीजिएगा महामेघवाहन, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था खारवेल, ठीक है। और हाथी की गुफा का अभिलेख भी किया गया है खारवेल के बचपन की शिक्षा के साथ, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किससे बने होते हैं? देखिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इंडियन हिस्ट्री से होगा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को तीन भाग में बांटा गया है ना, प्राचीन इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तीनों ही आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जीएस का ये हमारा जो पेपर होता है ना, ये जो मतलब जीके जीएस का जो भी ये पेपर होता है हमारा, ये 200 नंबर का, और यही पेपर आपका जो है ना निर्धारित करता है आपके कट ऑफ का, और यहाँ से आपका सिलेक्शन के चांस यहीं से बनेंगे, क्योंकि जो हिंदी का पार्ट है 100 नंबर का, वहाँ पर सिर्फ 30% ला के आपको पास होने हैं, ठीक है। 200 में 30% यानी कि 60 नंबर आ गए तो आपका काम हो गया वहाँ पे, ठीक है, आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे वहाँ खंड एक में भी, लेकिन क्वालिफाइंग करना है, ऐसा नहीं कि वहाँ फेल हो जाओगे। यहाँ पे आपको कट ऑफ डिसाइड करना होगा इन 200 नंबर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो आपका, है ना, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट, क्यूज, सेट वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा आपको, है ना, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं शाम को रोज, है ना। तो इस क्यूज को देखने के साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब यहाँ पे, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाण राजाओं के सबसे महान थे, और कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक निवास करते थे, याद रखिएगा आंसर हमारा पेशावर हो जाएगा, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? फटाफट आंसर कीजिएगा, मेगास्थनीज था, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर की, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये थे पुष्पमित्र, नोट कर लीजिएगा आंसर क्या है हमारा, पुष्पमित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मगध का शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम बताइए, मगध के ऊपर शासन करने वाले जो आपका यहाँ पे क्रम है, ये देखिए हर्यक आया था पहले, इसके बाद शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य आए, फिर संगु आए, फिर कानव आए, तो ये एक सही क्रम है इनका, ये आंसर कर लीजिएगा सी यहाँ पे। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? चलिए देखिए जो क्रम था मैंने बताया अभी ऊपर, उसका ईस्वी भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ईस्वी था, देखिए हर्यक वंश था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक, शिशुनाग था 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक, नंद वंश जो थे 344 से लेकर 323 तक ही थे, मौर्य वंश का शासन था 322 से लेकर 184 तक, ठीक है ये याद रखिएगा, और सुंग वंश 184 से 75 ईस्वी तक, और कर्णव वंश जो था 75 से 30 ईस्वी पूर्व तक ये यहाँ पे शासन किए थे मगध में। और अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय,
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि 1951 में, याद रखेंगे 1951 में 21 अक्टूबर को यह स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कमेंट कीजिए, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी अक्सर, नहीं तो ये वीडियो सुनने के मतलब नहीं यहाँ पे कोई, ठीक है। आप वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें अपने आंसर, ताकि ये चीज़ें आपको याद रह सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 दोस्तों। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ, डॉक्टर आत्माराम पांडू, नोट कर लीजिएगा, ये महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी कमेंट कीजिए, जो कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, आंसर करना है आपको 1857 में हुआ था, ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और आपको बता दें कि डिजराइली ने इस राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में लिखा है द ग्रेट रिवीलियन इन इंडिया, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे शेरशाह में। यह शेरशाह सूरी जो थे वो बिहार से थे, और वो दिल्ली पर भी शासन अपना जमा चुके थे। शेरशाह ने पंजाब और बंगाल में अपने कदम जमाने के बाद वह बिहार में पटना आए, और उसके बाद इनकी जो कब्र है अभी जो फिलहाल सासाराम में है, जो कि रोहतास जिले में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अंग्रेज शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल के विलय नीति प्रस्तुत की थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ थ्री, लॉर्ड डलहौजी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के काल में दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। इस नीति में, इस नीति के माध्यम से सतारा 1848 और 1849 में संभलपुर को भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी, चंपारण, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था, है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला जाता है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आंसर करेंगे बिरसा मुंडा, ठीक है, ये झारखंड से आते हैं, ये 1857 के विद्रोह में ये नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? कारण बताइएगा यहाँ पे। देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था, ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से वो मुक्त रह सके। मीर कासिम ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर किया था, ठीक है, इसलिए इसको अंग्रेजों से चिढ़ हुआ करती थी, ठीक है, आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुद्वीप किस से संबंधित है? आंसर जल्दी से कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि मरुद्वीप जो है वो रेगिस्तान में अवस्थित होते हैं, मरुद्वीप, मरुस्थल जिसे हम लोग जानते हैं, और रेगिस्तान में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनस्पतियाँ मिलती हैं जो कि सामान्य स्तर से ऊंची होती हैं और तथा चारों तरफ से घिरे होते हैं, उसे हम लोग मरुद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, आंसर डी कर लेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है, क्या कहलाती है? अब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको साइंस के, ठीक है, एशिया और यूरोप में जो भूगोल से ये क्वेश्चन है, देखिए भारतीय भूगोल से, ठीक है, एशिया तो भारत में, भारत जो है एशिया, मतलब एशिया में ही भारत आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप में संतुलित घास के स्थल को क्या कहा जाता है, तो आंसर करिएगा दोस्तों स्टेपस, नोट कर लीजिएगा। बादल जो है किस मंडल में आवरित होते हैं? तो बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 43 का, ये क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुंडा जो गर्त है वो अवस्थित कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल अगर आपको उत्तर करना है यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा हिंद महासागर में, ठीक है, जो कि 8152 मीटर गहराई है इसकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक बड़े जिले समूह अवरोही क्रम में घटते हुए लगाएं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बिहार से भी, बिहार भूगोल से भी क्वेश्चन रहेगा, भारत के भूगोल से, तो भारत का भूगोल जो पढ़ लीजिएगा तो शायद आपको बिहार का भी आंसर याद रखने में इंपॉर्टेंट और आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और फिर रोहतास, ये बड़े जिलों का समूह है, ये
इस क्रम में सही है। सबसे बड़ा जिला गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है, ठीक है। इन दोनों को जब जुड़ा हुआ था सबसे बड़ा जिला यही था, लेकिन इसको बांट दिया गया है दो जिलों में, तो अब ये पश्चिमी चंपारण अभी बड़ा है और पूर्वी चंपारण छोटा है, उसके बाद रोहतास जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं। आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, ये सभी में, जमुई, मुंगेर और बांका में, सब जगह यहाँ पे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तो ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि कौन सा देश सर्दन रोडीसिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, जिम्बाब्वे, तो नोट कर लीजिएगा, सर्दन रोडेशिया के नाम से अब जाना जाता है। यह अफ्रीका का महाद्वीप है जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं, 390 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी राजधानी हरारे होती है, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय मानक समय आधारित है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, 82°30' पूर्वांतर पूर्व देशांतर पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, या भारत का सबसे पूर्वी भाग है, राज्य है भारत का। इस राज्य में उत्तर में तिब्बत और चीन तथा दक्षिण में नागालैंड और असम जो है सटे हुए हैं, यानी कि जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उत्तर में कौन कौन है, तिब्बत और चाइना है। दक्षिण में कौन है, तो असम है, और कौन है दोस्तों, म्यांमार है, नोट कर लीजिएगा, नागालैंड है, ठीक है, ये सारे जो है ये अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर होगा चाइना, नोट कर लीजिएगा, नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ है चीन। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोग्यो श्रेणी से स्थित है, दार्जिलिंग और चुंबिये घाटी होकर ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आएगा भी एग्जाम में, लिख लीजिएगा, स्टार मार्क जरूर लगा लेंगे यहाँ पे। मॉक टेस्ट देते रहेंगे रेगुलर आप लोग, बीच में कहीं भी नहीं छोड़ेंगे इस मॉक टेस्ट को, जो कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों, 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे कि चीन प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जहाँ पे चीनी प्रौद्योगिकी का यानी शुगर मिल का यहाँ पे भारतीय संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, जो कि पूरे देश का है ना, 30% गेहूँ यहीं से उपज की जाती है। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। बिल्कुल भारत की अगर बात करें तो याद रखिएगा गॉडविल अनस्टीन, जो कि आपको यह भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर, ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ऐसा, ठीक है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का अंग है, काराकोरम, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल का है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अक्सर एग्जाम में ये अभी बिहार एसटीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की बात हो रही है तो कोसी याद रखिएगा उत्तरी सहायक नदियों में से एक है, जो कि 120 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है दोस्तों आ गया है आपका करंट से, तो आंसर अब हम यहाँ पे करेंगे करंट के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे, आंसर कीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ दिसंबर 97 में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है आयोजन किया गया था, कब, 97 में जापान में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे डीवीडी एक उदाहरण है। डीवीडी देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट होता है, जिसका आविष्कार किसने किया था, तो पैनासोनिक, फिलिप्स सोनी और तोशीबा द्वारा 1995 में किया गया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क है, नोट कर लीजिएगा। आरबीआई है ना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है, याद रखिएगा। आरबीआई के द्वारा अब तक मुद्रित बैंक नोटों में सर्वाधिक मूल्य वर्ग का बैंक नोट कितने का था, कौन सा है,
ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आरबीआई द्वारा अब तक जो मुद्रित बैंक नोटों में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा नोट था वो 10,000 का नोट था, ठीक है, सबसे अधिक मूल्य वाला नोट, जिसे कि 1938 में, ठीक है, 1938 में पुनः इसको चालू किया गया था और फिर पुनः 1954 में लाया गया, ठीक, और ये 1954 में मुद्रित किया गया था इसको, लेकिन इस बैंक नोटों का सर्वप्रथम जनवरी 1946 में और पुनः फिर 1978 में विमुद्रित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 54 में आया, फिर उसके बाद 46 में था, तो इसका पुनः क्या किया गया, विमुद्रित कर दिया गया 1978 में भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? आंसर कर लीजिएगा, चंद्रयान 1 था, है ना, ये पहला मिशन था, और अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कि 2008 में इसको लॉन्च किया था, और 2009 में ये परिचालित किया गया, जिसको चीज चंद्रमा की मिट्टी में व्यापक स्तर पर विद्यमान जल और अणुओं की खोज के लिए, उपलब्धियों के लिए माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बिल्कुल आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी, सिक्किम में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा, और एक आंसर यहाँ पे कीजिएगा, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग नीचे कमेंट कीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आंसर जरूर कीजिएगा 60 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना, जी हाँ, किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? अन्वेष योजना आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल उड़ीसा राज्य में ये शुरू की गई थी 2015 में 21 दिसंबर को, जिसमें कि 5,000 बच्चों को प्रतिवर्ष यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाने का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का ये योजना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से नृत्य शैलियों में कौन समानता है? तो नृत्य शैलियों की बात करें दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कथकली केरल का, और कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत में भी बहुत जगह, उत्तर प्रदेश के साथ अलावा यहाँ उत्तराखंड में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, तो उत्तर भारत कह सकते हैं एक वर्ड, ठीक है, जहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जबकि मधुबनी जो है चित्रकला की एक शैली के लिए जाना जाता था, जो कि बिहार के मिथिला और क्षेत्र में और नेपाल के में भी प्रचलित है। तो वैसे आंसर कीजिएगा, कोई समानता नहीं है यहाँ पे, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कोड की अगर बात की जाए, तो एक भाग है जिसमें कि प्रोग्राम के साथ किसी भी इशू को करेक्ट करने के लिए, देखिए ये इशू क्या होता है, एरर होता है ना, करेक्ट करने हेतु तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है, क्या कहलाता है वो? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, PATCH, पैच, है ना, पीच लिख दिया गया यहाँ पे, इसको पैच कहते हैं। पैच कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, इसको सपोर्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए, फिक्स करने के बाद इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको हम पैच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिक संस्थान जो स्थित है दोस्तों, जैव भौतिक विज्ञान में आधारभूत अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक संस्थान है, जो कि विद्यानगर में है। कहाँ पे ये विद्यानगर? तो पश्चिम बंगाल में है, आंसर हमारा नोट कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनसैट 2E को कब लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ फ्रेंच गुयाना में। ये करेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो जीके का पार्ट है वो भारतीय इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से ही पूछे जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक हथियारों का निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, नीदरलैंड में, ठीक है, आंसर कीजिएगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेनेवा 2 सम्मेलन के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था, जो कि कहाँ हुआ था? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, जिनेवा जो दूसरा सम्मेलन हुआ है उसका सीरिया में, नोट कर लीजिएगा, सीरिया में नागरिक युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से इसको किया गया था, ठीक, आंसर हमारा डी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 TB में कितने GB होते हैं? 1 TB इज इक्वल टू हाउ मच GB, ठीक है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ 1024, नोट कर लेंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में अभी, बिहार STET में। कंप्यूटर के क्षेत्र में BIT से क्या तात्पर्य है? बिट से, है ना, तो बिट को हम फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो जल्दी से आंसर करेंगे, जी हाँ,
बाइनरी डिजिट जानते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है आज का, भारतीय रेलवे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में क्या उपलब्ध नहीं है, कौन उपलब्ध नहीं है? तिरुवनंतपुरम, जी हाँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो के कार्यालय जो कि शहरों की स्थिति में है, पूर्व में अभी कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई, बेंगलुरु और सिकंदराबाद, पश्चिम में मुंबई और अहमदाबाद, और उत्तर में जयपुर और जोधपुर में और दिल्ली में भी ये स्थित है। उसके अलावा आगरा, वाराणसी में भी स्थित है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में ये स्थित नहीं है, भारतीय रेल का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, कल लेकर आएंगे हिंदी से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि आपको बिहार दुर्गा के खंड एक से मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुबह मिलते हैं करेंट अफेयर की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।